अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, साथ ही साथ हमें भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो यार, फर्स्ट एंड फॉर आप सबको बारह रबी अव्वल मुबारक हो, क्योंकि आज बारह रबी अव्वल है। तो देखता हूँ यार, दोस्तों से मैंने बातचीत तो की है, अगर वो आ गए तो चलते हैं लतीफ़ बाबा की तरफ, रुख करते हैं और वहाँ पे व्लॉग बनाएंगे और गपशप लगाएंगे। तो अगर हुआ तो बाकी, अभी जो है सिस्टर ने कहा है कि डेंटिस्ट के पास मुझे लेके चलो, तो अभी लेके चलते हैं सिस्टर को डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आपको तो पता है हर मंथ हम जाते हैं, डेट आगे पीछे हो जाती है, बट हर मंथ हम जाते हैं। तो अभी भी हम सिस्टर के साथ जाते हैं वहाँ पर, और देखते हैं क्या है क्या नहीं है सीन भाई। और उसके अलावा देखते हैं बारह रबी अव्वल का भी जो है चक्कर लगाते हैं, अगर दोस्त चले तो, और मेरी तबीयत सही हुई तो, क्योंकि तबीयत में मज़ा नहीं है भाई, चक्कर से आ रहे तो, और अम्मी को पता चलेगा तो अम्मी तो मुझे नहीं जाने देगी भाई। तो अभी देखते हैं मेरा, तो फिलहाल तो चलते हैं डेंटिस्ट के पास। तो ले लो शर्मा रहा है, पता नहीं क्यों मुझसे पहली फुर्सत में निकल शर्मा रहा है। मैंने क्या किया इसको जो मुझसे शर्मा रहा है भाई? हाँ, क्यों क्यों आखिर क्यों? तो ये सारी की सारी जो है ग्लासेस की शॉप है, तो किसी के नज़र का मसला है तो वो काइंडली यहाँ पे आ जाए, अच्छी से अच्छी इसको मिल जाएगी भाई, अच्छी से अच्छी ग्लासेस मिल जाएगी आपको भाई। तो अभी आ गए यहाँ पे और देखते हैं। हाँ जी गए, तो अभी आ गए एटीएम और एटीएम देखते हैं, एटीएम मशीन से जो है प्रैंक करते हैं, अगर जो है वो होता भी है या नहीं। मैंने मुझे जितने भी पैसे निकलवाने हैं तो उससे मैंने यही सोचा कि मैं 75 रुपीज़ जो है ज़्यादा अमाउंट लगाऊंगा, देखते हैं 75 रुपीज़ वाला नोट आता है कि नहीं भाई। तो देखते हैं, वेट करें। तो यार, जैसे कि आप देख के आए पिछली क्लिप में, तो यार ये हुसैन आबाद की थी वीडियो, और ये थोड़ा बहुत जो हुसैन आबाद में इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है बारह रबी अव्वल को। बाकी यार मैं लतीफ़ बाबा नहीं गया, लतीफ़ बाबा में क्यों नहीं गया, लतीफ़ बाबा इसलिए मैं नहीं गया कि यार मैं सिस्टर के साथ गया हुआ था डेंटिस्ट के पास, जैसे कि आपको मालूम ही है। तो मुझे अचानक से चक्कर आ गए थे और मैंने जो है बाइक फुटपाथ पे
मादी भाई चल झूठा। तो उस हिसाब से सिस्टर भी थोड़ी परेशान हो गई थी और सिस्टर ने आगे घर बोला था, तो अम्मी ने बोला सख्ती से मना किया अम्मी ने। अम्मी ने बोला घर से बाहर कदम भी रखाएं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो भाई अम्मी की धमकी धमकी होती है ना, तो इसलिए मैं गया नहीं था। और अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद तबीयत सही हो गई है और सब टाइम भी और हो गया है, 12:30 हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा बाहर जाके व्लॉग को जो है एंड करते हैं। और यार रती वापस चलते हैं तो यार बहुत मज़ा आता वहाँ पे, बहुत मज़ा होता। मैं हर साल जाता हूँ बट इस साल नहीं गया, दोस्तों की कॉलें भी आई थी। चल झूठा। तो बस तबीयत मेन चीज़ है, तबीयत भाई। आपकी तबीयत सही है तो दुनिया आपके लिए इजी है, अगर तबीयत सही नहीं है तो मुश्किल है बहुत। और तबीयत नहीं सही होने की वजह यही है, सुबह मैं यूनिवर्सिटी गया था, बहुत गर्मी थी, उसके बाद मैं घर आया था और मैंने खाना भी नहीं खाया था, तकरीबन बहुत देर हो गई थी मुझे, 4:30 जो हो गए थे यूनिवर्सिटी से आते आते, तो इसलिए जो है थोड़ी सी थकावट थी, तो उसकी वजह से यही था। और मैं बेटे खाना नहीं खाता हूँ तो उसकी वजह से यही मसले हुए थे। तो इस व्लॉग में यहाँ पर यह निकलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तब भी पसंद करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हाँ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए उन्होंने बहुत सारा ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।